हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम वर्ब की फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसके अतिरिक्त एक आईएनजी फॉर्म होती है जिसे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट में प्रयोग किया जाता है। सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। और उसके अतिरिक्त थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं और आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म है गो। फ्रेंड्स, यहाँ पे गो का मतलब होता है जाना। और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट। फिर थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। उसके बाद आईएनजी फॉर्म हो जाएगी गोइंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे गो में आईएनजी लगा दिया गया है, इस तरह से ये गोइंग हो गया है। उसके बाद कम। कम मीन्स होता है आना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम। थर्ड फॉर्म होती है कम और आईएनजी फॉर्म होती है कमिंग। इसी तरह राइट। राइट मतलब होता है लिखना। फ्रेंड्स, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटन होती है, आईएनजी फॉर्म राइटिंग होती है। बीट। बीट मीन्स होता है पीटना। फ्रेंड्स, इसकी सेकंड फॉर्म बीट ही होती है। थर्ड फॉर्म बीटन हो जाती है और आईएनजी फॉर्म बीटिंग होती है। कट। कट मीन्स काटना होता है। इसकी सेकंड फॉर्म कट होती है, थर्ड फॉर्म भी कट होती है और आईएनजी फॉर्म कटिंग हो जा रही है। टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। फ्रेंड्स, यहाँ पे टीच की सेकंड फॉर्म टॉट और थर्ड फॉर्म टॉट, आईएनजी फॉर्म टीचिंग हो जाएगी। कॉल। कॉल मीन्स पुकारना। इसकी सेकंड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड हो जाएगी और आईएनजी फॉर्म कॉलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है फेल। फेल का मतलब होता है असफल होना। फ्रेंड्स, यहाँ पे फेल की सेकंड फॉर्म फेल्ड हो जाएगी और इसकी थर्ड फॉर्म भी फेल्ड हो जाएगी और आईएनजी फॉर्म फेलिंग हो जाएगी। फ्रेंड्स, आईएनजी फॉर्म बनाने के कुछ नियम हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। फ्रेंड्स, अब देखते हैं ये किस प्रकार से बनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गो, वेंट और गॉन तीनों फॉर्म्स अलग हैं। लेकिन इस वाले में देखो कम और कम, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान है और सेकंड फॉर्म बदल गई। फ्रेंड्स, कुछ फॉर्म्स होती हैं जिसमें तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती हैं, कुछ फॉर्म्स होती हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान होती है, सेकंड फॉर्म अलग हो जाती है। उसके बाद देखते हैं राइट, रोट, रिटन। फ्रेंड्स, यहाँ पे तीनों फॉर्म्स अलग अलग दी गई हैं। बीट, बीट, बीटन। फ्रेंड्स, इसकी फॉर्म में हम फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म समान पाते हैं, अर्थात यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म समान है और थर्ड फॉर्म डिफरेंट है। फ्रेंड्स, इसी तरह से कट, कट, कट। फ्रेंड्स, यहाँ पे तीनों फॉर्म्स एक ही हैं, मतलब समान हैं। जैसे कि कट, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म कट हो गई और थर्ड फॉर्म भी कट हो गई। यहाँ पे तीनों फॉर्म्स एक ही तरह के हैं, अर्थात समान हैं। टीच, टॉट, टॉट। यहाँ पे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान है, फर्स्ट फॉर्म डिफरेंट है। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। फेल, फेल्ड, फेल्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके अंत में ईडी लगाने से थर्ड फॉर्म बन जाती है और सेकंड फॉर्म बन जाती है। जैसे कि कॉल में ईडी लगा दिया, हो गया कॉल्ड, और कॉल में ईडी लगाया तो कॉल्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनी है। फ्रेंड्स, हम इस तरह की वर्ब की फॉर्म्स की लिस्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप इनकी फॉर्म्स को लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी आईएनजी फॉर्म की वीडियो जल्द ही मिल जाएगी जिसमें हम आईएनजी फॉर्म बनाने के नियमों को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने केवल ये समझाने के लिए इस वीडियो को बनाया है कि इस तरह से वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। कुछ फॉर्म्स फर्स्ट और सेकंड फॉर्म्स समान होती हैं, थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है, किसी में फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म समान होती हैं, थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है, इसी तरह से किसी में तीनों फॉर्म्स समान होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम वर्ब की फॉर्म्स के बारे में जान चुके हैं कि तीन फॉर्म्स होती हैं, इसके अतिरिक्त आईएनजी फॉर्म होती है। फ्रेंड्स,
फर्स्ट फॉर्म का अलग यूज होता है, सेकंड फॉर्म का अलग यूज होता है, थर्ड फॉर्म का अलग यूज होता है और आरएनजी फॉर्म का अलग यूज होता है। कुछ टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, कुछ टेंसेस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, कुछ टेंसेस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, कुछ टेंसेस में आरएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम सीरियल वाइज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आरएनजी फॉर्म के यूज़ को अगली वीडियोस में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।